के नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है, और यही कारण है कि ये पूरी तरह से आप देख लोगे सरकार बनने से अब तक राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कभी 60-40 की बात करती है तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, और अभी हाल में जो जो संकल्प जारी किया 10 मार्च को, तो पूरी तरह से यहाँ के जनता के और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, राज्य की जनता के लिए पूरी तरह से अहित होने वाला, तो फिर से मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज 3,59,000 से ज़्यादा रिक्ति है, आज सरकार के पास नियोजन नीति नहीं है, इसके कारण अभी देखे होंगे कि आप JSSC का जितना वैकेंसी निकला था सारा रद्द हो गया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है, कि नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है, और यही कारण है कि ये पूरी तरह से आप देख लोगे सरकार बनने से अब तक राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कभी 60-40 की बात करती है तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, और अभी हाल में जो जो संकल्प जारी किया 10 मार्च को, तो पूरी तरह से यहाँ के जनता के और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, राज्य की जनता के लिए पूरी तरह से अहित होने वाला, तो फिर से मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज 3,59,000 से ज़्यादा रिक्ति है, आज सरकार के पास नियोजन नीति नहीं है, इसके कारण अभी देखे होंगे कि आप JSSC का जितना वैकेंसी निकला था सारा रद्द हो गया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है, कि नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है, और यही कारण है कि ये पूरी तरह से आप देख लोगे सरकार बनने से अब तक राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कभी 60-40 की बात करती है तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, और अभी हाल में जो जो संकल्प जारी किया 10 मार्च को, तो पूरी तरह से यहाँ के जनता के और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, राज्य की जनता के लिए पूरी तरह से अहित होने वाला, तो फिर से मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज 3,59,000 से ज़्यादा रिक्ति है, आज सरकार के पास नियोजन नीति नहीं है, इसके कारण अभी देखे होंगे कि आप JSSC का जितना वैकेंसी निकला था सारा रद्द हो गया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है, कि नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है, और यही कारण है कि ये पूरी तरह से आप देख लोगे सरकार बनने से अब तक राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कभी 60-40 की बात करती है तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, और अभी हाल में जो जो संकल्प जारी किया 10 मार्च को, तो पूरी तरह से यहाँ के जनता के और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, राज्य की जनता के लिए पूरी तरह से अहित होने वाला, तो फिर से मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज 3,59,000 से ज़्यादा रिक्ति है, आज सरकार के पास नियोजन नीति नहीं है, इसके कारण अभी देखे होंगे कि आप JSSC का जितना वैकेंसी निकला था सारा रद्द हो गया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है।